आपके पास पोको एक्स फोर प्रो है या फिर एक्स फाइव प्रो है या फिर एक्स फाइव है, तो उसके अंदर आप अपने फ़ोन में जब भी आप किसी डिस्प्ले पर ऐसे टच करके होल्ड करते हो तो एक काफ़ी टाइम बाद जाके आपके फ़ोन में अगर सेलेक्ट होता है जिसको आप अपने फ़ोन में फास्ट कैसे कर सकते हो, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपका बैनर बन जाता है वो काफ़ी टाइम तक रुका रहता है आपके फ़ोन में, तो इसको भी आप इसकी टाइमिंग को कैसे फास्ट कर सकते हो कि अगर 10 सेकेंड सेट कर दिया 10 सेकेंड के अंदर ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से हट जाए। तो उसको लगाने के लिए आप जाएंगे सेटिंग पे, नीचे की साइड जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग, इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे, यहाँ पर आपका विजन का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है आपको करना क्या है, फिजिकल वाले पे टैप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाता है टच एंड होल्ड डिले, तो इसको आपको करना क्या है शॉर्ट पे जाके कर लेना होता है। बाकी अगर लॉन्ग पे रहेगा सॉरी शॉर्ट पे नहीं करना, आपको मीडियम पे करना है, क्योंकि शॉर्ट पे ऐसे भी टच करोगे तुरंत ही आपका हो जाएगा, तो आपको मीडियम पे करके रखना है जिससे कि लगे कि फ़ोन को भी हाँ भाई आप टच करके कुछ इसको इनेबल करना चाहते हो, तो आप मीडियम पे कर लेंगे। बाकी टाइम टू एक्शन होता है, इसको आपको जाके करना है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड क्या होता है कि जैसे ही आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपका 10 सेकेंड रहेगा आपके डिस्प्ले पे, जिसके हिसाब से आप पढ़ भी सकते हो डायरेक्टली, तो आपको कुछ टाइम मिल जाता है 10 सेकेंड का, तो इसके लिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ यहाँ से कर लेंगे। बाकी पावर बटन इन कॉल है तो इसको आप इनेबल करोगे ऑटोमेटिकली, आपके जब भी किसी से कॉल पे बात करोगे और पावर बटन को प्रेस कर दोगे कॉल कट जाएगी। बाकी ये ऑटो रोटेट स्क्रीन है तो इसको इनेबल कर दोगे तो जैसे जैसे फ़ोन मूव करोगे वैसे वैसे स्क्रीन रोटेट होते जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।